नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में छठा दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। राज्यपाल फागू चौहान ने छात्रों को दी मेडल और उपाधि। दीक्षांत समारोह में मंच पर जगह नहीं मिलने से भड़के भागलपुर सांसद अजय मंडल, सिस्टम पर उठाया सवाल। भागलपुर नगर निगम सामान्य बोर्ड की बैठक रही हंगामेदार। विकास योजनाओं को लेकर पार्षदों ने निगम प्रशासन को घेरा। नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी मामले में पॉस्को कोर्ट ने सुनाई आरोपी को सजा। 5 वर्ष पूर्व सन्हौला थाना क्षेत्र की है घटना। और बांका में 2 अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में हुई 2 की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। अब समाचार विस्तार से। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में मंगलवार को छठा दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने की। इसके पूर्व राज्यपाल का हेलीकॉप्टर कृषि विश्वविद्यालय के मैदान में बने हेलीपैड पर लैंड किया, जहां राज्यपाल फागू चौहान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं कमिश्नर वंदना किनी, जिलाधिकारी प्रणब कुमार, SSP आशीष भारती और BAU के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने महामहिम को बुके देकर सम्मानित किया। इसके बाद कुलाधिपति सीधे अतिथि गृह पहुंचे। रोबिंग तथा ग्रुप फोटोग्राफी के बाद शोभा यात्रा में शामिल विश्वविद्यालय के अधिकारी राज्यपाल को लेकर मंच पर पहुंचे, जहां राष्ट्रगान के बाद राज्यपाल फागू चौहान ने कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी। इसके बाद रजिस्ट्रार डॉक्टर मिजानुल हक ने गोल्ड मेडल पाने वाले शोधार्थी, छात्र और शिक्षक के नाम की घोषणा मंच से की। मंच पर कुलाधिपति फागू चौहान ने श्रवण कुमार, BC अनु, संजू कुमारी, उषा किरण और शिक्षक श्रीनिवास राघवन को गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। इसके बाद स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि छात्र छात्राओं को प्रदान की गई। इधर पदक वितरण के बाद बिहार कृषि विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके बाद दीक्षांत समारोह की समापन की घोषणा की गई। मौके पर कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, रामकृष्ण विवेकानंद, शैक्षणिक एवं शोध संस्थान बेंगलोर मठ के कुलपति स्वामी आत्मप्रियानंद, अपर सचिव ब्रजेश मल्होत्रा, कृषि विभाग के निर्देशक आदेश तितरमारे, BN मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वत किशोर राय, वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज, DPO राजेंद्र चंद्रवंशी समेत कई विभाग अध्यक्ष, शोधार्थी और छात्र छात्रा मौजूद थे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आज छठा दीक्षांत समारोह मनाया गया। समारोह में कुलाधिपति सह राज्यपाल फागू चौहान ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने कई छात्र छात्राओं को, रिसर्च स्कॉलर को गोल्ड मेडल दिया और उपाधि प्रदान की। साथ ही बेस्ट टीचर का अवार्ड भी दीक्षांत समारोह में दिया गया। दीक्षांत समारोह के दौरान कई शिक्षाविद और कई विश्वविद्यालय के कुलपति मंच पर मौजूद रहे। इस दीक्षांत समारोह की सबसे अहम बात जो यह रही कि 274 छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार की उपाधि प्रदान की गई। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के दीक्षांत समारोह में मंगलवार को राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की प्रशंसा की। मंच से राज्यपाल ने कार्यक्रम के दौरान पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को बधाई दी। वहीं कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कृषि रोड मैप और जैविक खेती की जानकारी दी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय बताए। इसके पूर्व कुलपति डॉक्टर अजय कुमार ने BAU की उपलब्धियों की जानकारी विस्तार से दी। वहीं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक एवं शोध संस्थान के कुलपति स्वामी आत्मप्रियानंद ने वैदिक मंत्र के साथ अपना अभिभाषण दिया। आपको भी अवगत है कि बिहार राज्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। बिहार विभाजन के बाद अधिकांश खनिज संपदा झारखंड के ही हिस्से में चली गई। फलतः बिहार का विकास मूल रूप से कृषि पर ही अवलंबित हो गया। राज्य विभाजन के बाद बिहार ने काफ़ी बेहतरी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला एवं विकास प्रयास को गति दी। परिणामतः आज बिहार की विकास दर देश की विकास दर से अधिक है। बिहार में कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए वर्ष 2010 में इस कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई थी। इस विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के बाद 9 वर्ष में ही कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार क्षेत्र के उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने राज्य में कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार को नया आयाम दिया है।
जिसका प्रतिफल है कि विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रोग्राम में सभी सीटों के साथ साथ स्नातकोत्तर डिग्री प्रोग्राम में 100% सीटों का नामांकन हुआ है। पिछले वर्ष विश्वविद्यालय को कृषि एवं कृषि किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा RKBY रफ्तार अंतर्गत एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर परियोजना की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस परियोजना अंतर्गत 2 महीनों के आवासीय एग्रीप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन कार्यक्रम और स्टार्टअप एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर आयुक्त कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों के 11,000 क्विंटल से अधिक बीज उत्पादित करके किसानों को उपलब्ध कराया गया, साथ ही 6 लाख से अधिक विभिन्न फल वृक्षों की पौध तथा 1.25 लाख से अधिक टिश्यू कल्चर तकनीक से उत्पादित केले की रोग मुक्त पौध तैयार करके किसानों को उपलब्ध कराया गया। सह नमो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। आचार्य और शिष्य सम्मिलित प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, विद्या का स्वरूप प्रकट करा के मुझे हम दोनों को कृपा करो। भागलपुर समेत आसपास के आधा दर्जन जिलों में खेती के आयाम बदलने वाले और हर मौसम में बेहतर खेती की बारीकियां किसान तक पहुंचाने वाले BAU में मंगलवार को छठा दीक्षांत समारोह मनाया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं समारोह की कुछ झलकियां। सीता की जन्मभूमि गांधी की कर्मभूमि सम्राट अशोक की शक्ति भूमि धर्मभूमि जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गर्जल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गर्जल, 80 बरस में चढ़ल जवानी की भोजपुरिया चमकल, राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले, एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले, गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, महापुरुष है हजार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में आए भागलपुर के सांसद अजय मंडल भड़क गए। मंच पर जगह नहीं मिलने से नाराज सांसद ने सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सीधा निकल पड़े। सांसद अजय मंडल ने बातचीत के दौरान भागलपुर में लगने वाले महाजाम की भी पोल खोल दी। वहीं सांसद से बात की हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। सबौर कृषि विश्वविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह था, राज्यपाल समेत कई गणमान्य लोग आए, लेकिन मंच पर जो सबसे बड़ी बात है, भागलपुर के सांसद अजय मंडल जी को जगह नहीं दी गई। सांसद इससे काफी दुखी है, हम उनसे सीधा बातचीत कर लेते हैं कि सर आप बताइए क्यों आपको जगह नहीं मिली मंच पर। देखिए, इस बात की जानकारी जगह क्यों नहीं मिली, निमंत्रण मुझे मिला था, आमंत्रण काट गया, मैं आया, और जगह क्यों नहीं मिला, यहाँ आज विद्वानों का जमा रहा था, आज विद्वानों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, अब
वहाँ क्या बात है, जिनको प्रोटोकॉल में कहाँ किनको जगह मिलना है, ये तो विद्वानों का काम है। तो क्या मिसमैनेजमेंट कुछ हुआ ऐसा लगता है? अब तो हम ये बात नहीं बता सकते मिसमैनेजमेंट क्या चीज़ है, हमारे मंत्री थे वहाँ बैठे हुए, उनसे पूछिए जा करके कि क्या नियमावली कहता है, क्या प्रोटोकॉल कहता है। हमारे गवर्नर साहब थे, वो भी एक जनप्रतिनिधि हैं, उनसे पूछिए क्या प्रोटोकॉल में ऐसा नियम नहीं होगा, इन्होंने नहीं किया। हमसे पूछे अधिकारी सर, हम क्या बता सकते हैं? आप कुछ लेट भी विलम्ब से पहुँचे सर? देखिए लेट से विलम्ब में चले तो घर से 11 बजे 10 किलोमीटर की दूरी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, 10 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, लेकिन मजबूरी ये था कि रोड जाम था, बहुत ओवरलोड सब गाड़ी था। हम उसमें पूछे गाड़ी वाले से कि भाई आप लोग इतना लोड ले करके चलते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं और बहुत कुछ हो जाते हैं। उनका कहना हुआ, क्योंकि इलाके का बहुत गाड़ी है, तो उनका कहना हुआ कि सांसद जी मैं आपको वोट देता हूँ, आप हमारे ओवरलोड के पीछे क्यों लगते हैं, हम दो का कमाते हैं ओवरलोड करके। इसके बाद पदाधिकारी तो आपको पकड़ लेगा। बोला ना वो कैसे पकड़ लेगा, उसको तो हम पैसा देते हैं, MBI मोबाइल DTO सबको हम पैसा दे करके जा रहे हैं, वो नहीं पकड़ेगा और आपको वोट देते हैं, तो हम वोट के चलते नहीं कुछ बोल सकते हैं। पदाधिकारी नोट के चलते तो सर क्या आप वोट के चलते कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप पदाधिकारी नोट के चलते कुछ नहीं बोल सकते, तो क्या जाम की स्थिति ऐसा ही रहेगी? देखिए जनता की गाड़ी तो जनता का है, मेरा गाड़ी थोड़ी था, उसमें कूटो एक गाड़ी मेरा नहीं था, ये जनता का ही वोट था, जनता ने ही वोट दिया ना, वोट देने वाला कौन हो सकता है। मैंने जाम से निजात के लिए आप क्या करेंगे सर? अरे भाई ये तो जनता को भी सोचना होगा, अधिकारियों को भी सोचना होगा, गाड़ी में रोड पर जाम उतरा हुआ जनता, जनता का ही गाड़ी था, गाड़ी मेरा नहीं था, उसमें एक भी गाड़ी मैंने 200 गाड़ी को पार किया, 200-300 गाड़ी से ज़्यादा को पार किया, कोई गाड़ी मेरा नहीं था, मेरे पास गाड़ी है भी नहीं, ऑनर बुन कर निकाल के देख लीजिए कहीं। इन सवालों से थोड़ा पीछे हटते हैं, जाते हैं दीक्षांत समारोह में। दीक्षांत समारोह में सर आपको और कई विधायक को जगह नहीं मिली, फिर क्या कहेंगे आप? जब दीक्षांत समारोह, आप इस बात को समझ रहे, दीक्षांत समारोह क्या चीज़ है आपको समझते हैं ना, जो कि शिक्षा पा लिए, शिक्षा की देवी सरस्वती की देवी के मंदिर में आकर के दीक्षांत, यानी वो पूर्ण रूप में विद्वान हो गए ना, तो विद्वानों को डिग्री देने के समय अब विद्वानों को ये सोचना होगा कि क्या करना है। हम तो कोई उतना बड़ा डिग्री पा करके विद्वान नहीं हो गए हैं, हम VC तो हो नहीं गए, हम गवर्नर तो हो नहीं गए, तो क्या कहीं आप इनकी शिकायत करेंगे? हम कहीं नहीं शिकायत करेंगे, जब हमारे मंत्री यहाँ हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं, मैं क्यों शिकायत करूँ किसी से। तो ये थे भागलपुर के सांसद अजय मंडल जी, इनको दीक्षांत समारोह में मंच पर जगह नहीं मिली। भागलपुर नगर निगम सभागार में मंगलवार को सामान्य बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही। बैठक के दौरान पार्षदों ने जैन मंदिर रोड में सड़क एवं नाला निर्माण, पार्षद कक्ष का निर्माण, सम्राट अशोक भवन के निर्माण में हो रही देरी, पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन नहीं होने एवं ठंड खत्म होने के बाद कम्बल की खरीदारी करने के मामले में पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। बैठक के दौरान पार्षदों ने कहा कि शहर के विकास से निगम प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णय का अब तक अनुपालन नहीं हुआ है, महापौर उपमहापौर एवं नगर आयुक्त के बीच आपसी तालमेल के अभाव में शहर का विकास बाधित हो गया है। बैठक की अध्यक्षता महापौर सीमा शाह ने की। हालांकि मेयर ने सभी पार्षदों से शांतिपूर्वक अपनी बात रखने की अपील की, लेकिन विकास के मुद्दे को लेकर पार्षद काफ़ी आक्रोशित दिखे। बैठक में डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी, डॉक्टर प्रीति शेखर समेत कई वार्डों के पार्षद मौजूद थे। बैठक में कुछ नहीं हुआ, पार्षद कक्ष की बात उठी, जैन मंदिर की बात उठी, सम्राट भवन का बात उठा, लेकिन कोई भी बिंदु पर सटीक कोई जवाब संतोषजनक नहीं मिला। वही ढोल के तीन पात देखते हैं, सिस्टम खराब है, सिस्टम सुधारने में समय लगे। तो सर आप भीतर से बाहर क्यों आ गए? क्या करेंगे, बैठ के कथा किस्सा सत्यनारायण जी का सुनते सुनते तो 7 साल हो गया हम लोगों का, होता कुछ नहीं। अब इस कथे सुने कि अपने वार्ड में कुछ काम भी हो, यहाँ आने के बाद लगता है कि वार्ड में कोई काम नहीं होगा और यहाँ सिर्फ अपनी राजनीति। भागलपुर पॉस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दो अलग अलग धाराओं में 4-4 वर्ष की कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई। घटना 12 नवंबर 2015 सन्हौला थाना क्षेत्र के सोनूडी गांव की है। नाबालिग छात्रा ने अपने ही गांव के नीलेश कुमार पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए सन्हौला थाना में मामला दर्ज कराया था। विशेष लोक अभियोजक शंकर जय किशन मंडल ने बताया कि छात्रा को घर में अकेला देख आरोपी युवक ने गलत काम करने का प्रयास किया था,
जिसके बाद छात्रा द्वारा शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, सीबीएसई करिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन दिनों तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांका में दो अलग अलग जगहों पर तेज रफ्तार ऑटो पलटने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन लोग घटना में घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रजौन प्रखंड के रवैया मोड़ के समीप मंगलवार को बाइक सवार को बचाने के क्रम में तेज रफ्तार ऑटो पलट गई, जिसमें राजावर निवासी 70 वर्षीय वृद्ध नारायण राम की मौत हो गई। वहीं ऑटो पर सवार दो अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर दूसरी घटना बांका के इंग्लिश मोड़ शंभूगंज मुख्य मार्ग की है, जहां तेज रफ्तार ऑटो पलटने से 18 वर्षीय युवती की मौत हो गई। मृतक युवती की पहचान साधपुर गांव निवासी लड्डू यादव की पुत्री सुलेखा कुमारी के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतिका के भाई अजीत ने बताया कि मंगलवार की सुबह सुलेखा अपनी छोटी बहन को मैट्रिक का परीक्षा दिलाने एसेंट स्कूल जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार के कारण बाजा मोड़ के समीप ऑटो पलट गई। घटना में ऑटो पर सवार कई अन्य यात्री भी घायल हो गए हैं, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दोनों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के महाशय ड्योड़ी स्थित बड़ी दीदी लेन में मंगलवार को पुराने दीवार तोड़ने के दौरान 3 मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकाला गया। इसके बाद तीनों मजदूरों को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। घायल तीनों मजदूर की पहचान लालू चक निवासी मंटू मंडल, रामपुर निवासी मानिक यादव एवं सहिंद्र यादव के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पुराने दीवार को तोड़कर मजदूर ईंट निकाल रहे थे, तभी अचानक मिट्टी धंसने के कारण खुदाई का काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। दीवार खोद कर के ईटा निकाल रहा था। क्या निकलवा रहा था? संभव यादव। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? फिर ईटा बहुत नीचे के कारण से धंसना, गिर के दीवार से 3 आदमी दबा गए। उसके बाद उसको निकाला गया। मामला था कि पुराना देवाल था, देवी स्थान का मंदिर अति देवाल था, ठीक। शंभू यादव ने खोद के सब टोटल घर पर ले जा रहा था, तो 3 लेबर जो है अंदर में अच्छा धसाना गिर के गिर गया, चपा गया तीनों लोग। और सब ने मिलजुल के यहाँ घर के जितना बस्ती लोग है तो यहाँ सब ने मिल के उसको निकाला गया। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वयक समिति प्रखंड इकाई नाथनगर के बैनर तले शिक्षकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान शिक्षकों ने प्रखंड संसाधन केंद्र में धरना दिया और अपनी मांगों के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद की। धरना पर बैठे शिक्षकों ने कहा कि सरकार अपने तुगलकी फरमान से डराने का प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक शिक्षकों की संवैधानिक मांगों को सरकार नहीं मान लेती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। वहीं शिक्षकों के समर्थन में जीप सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने कहा कि शिक्षकों की सारी मांगें जायज है और सरकार को शिक्षकों की बातें माननी होगी। मौके पर शशि चंदन, अजीत, रवि सहित काफ़ी संख्या में शिक्षक मौजूद थे। बिहार में हड़ताल का दूसरा दिन है। संपूर्ण बिहार के शिक्षक इस बात पर आमदा हैं, इस बार मैं सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। यह घृणित कार्य करने वाली सरकार हम शिक्षकों को उद्वेलित करने पर आमदा है। पूरे बिहार का शिक्षक धरना के माध्यम से धरती पकड़ करके बैठ गया है और जब तक समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग ये सरकार जो कुर्सी पर बैठा है नहीं पूरा करती है, या तो वो समान कार्य का समान वेतन दे या वो कुर्सी छोड़ करके उतर जाए, और नहीं होगा।
वहीं समान काम समान वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वयक समिति के आह्वान पर मंगलवार को शिक्षकों ने नवगछिया के बीआरसी परिसर में धरना दिया। धरना का नेतृत्व जयनाथ यादव एवं राजा राम शाह कर रहे थे। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सरकार के डरावने पत्र से शिक्षक डरने वाले नहीं हैं। वहीं नेहा भारती ने कहा कि सरकार शिक्षकों के सामने जल्द ही घुटने टेक देगी और हमारी मांगों को पूरा करेगी। मौके पर विजय कुमार, विवेकानंद, आशीष विष्णु, फूलन कुमारी एवं अन्य शिक्षक मौजूद थे। बांका के राजपुर स्थित एसकेपी स्कूल का परिसर सोमवार को रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। आपसी विवाद को लेकर हॉस्टल में रहने वाले छात्र आपस में भिड़ गए। इस दौरान पूरे विद्यालय परिसर में अफरातफरी मच गई। मारपीट की घटना से विद्यालय व्यवस्था की सारी पोल खुल गई। घटना की सूचना प्रिंसिपल मानस कुमार पाठक ने बांका एसपी एवं अमरपुर थाना को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सर्किल इंस्पेक्टर वकील यादव ने स्थिति को नियंत्रित किया। घटना को लेकर प्राचार्य ने बताया कि कक्षा 8वीं और कक्षा 9वीं के छात्रों के बीच क्रिकेट मैच होने वाला था, जिसमें कक्षा 9वीं के छात्रों ने खेलने से मना कर दिया। इसी बीच दोनों कक्षा के छात्रों के बीच बहस होने लगी। तभी कक्षा 10वीं के छात्रों ने आपस में बहस कर रहे छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन तभी छात्रों ने मारपीट शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर वकील यादव ने बताया कि मारपीट करने वाले छात्रों की पहचान की जा रही है, जिस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। ये लड़का में घटना है, इसमें हुआ कि मैं क्रिकेट में चल रहा था, उसमें उस सभी का पार्टिसिपेशन का बात था, बीच में उस हट गया, इसके चलते उस सभी में थोड़ा तनाव हुआ और उसी क्रम में आपका थोड़ा झड़प हुआ था। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र डुमरामा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में दो महिला समेत तीन लोग जख्मी हो गए। तीनों घायलों को इलाज के लिए अमरपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर जख्मी प्रहलाद यादव की पत्नी ने बताया कि घर के सामने खाली पड़ी जमीन पर अपनी मवेशी को बांध रहे थे। इसी दौरान गाँव के ही लखन यादव एवं कार्तिक यादव ने गाली गलौज करते हुए मवेशी बांधने से मना कर दिया। इसका विरोध करने पर सभी लोगों को पीट कर घायल कर दिया। पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में छठा दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। राज्यपाल फागू चौहान ने छात्रों को दी मेडल और उपाधि। दीक्षांत समारोह में मंच पर जगह नहीं मिलने से भड़के भागलपुर सांसद अजय मंडल, सिस्टम पर उठाया सवाल। भागलपुर नगर निगम सामान्य बोर्ड की बैठक रही हंगामेदार, विकास योजनाओं को लेकर पार्षदों ने निगम प्रशासन को घेरा। नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी मामले में पॉस्को कोर्ट ने सुनाई आरोपी को सजा, 5 वर्ष पूर्व सनहौला थाना क्षेत्र की है घटना। और बांका में दो अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में हुई दो की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।